आप ये जो भीड़ देख रहे हो ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि दिल्ली के मोमोज को फेल कर दे, मुंबई के वड़ा पाव को फेल कर दे, ऐसी यहाँ पर डिश बनाई जाती है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ आनंद के वल्लभ विद्यानगर में। और यहाँ पर लोग इसके इतने दीवाने हैं, इतने पागल हैं इसके लिए लोग, कि आधे घंटे का वेटिंग तो उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है वो चीज, तो देखिए पूरी वीडियो। सबसे पहले तवे पर भैया ने ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल भी यहाँ पर मूंगफली का डाला गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं लाल मिर्च वाला पाउडर डाल दिया गया है तवे के ऊपर और उसको बढ़िया से मिलाया जा रहा है इस तेल के अंदर। और तेल के अंदर सिर्फ मिलाया नहीं जा रहा है बल्कि इसको पकाया जा रहा है। जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद जो इन्होंने पाव कट किया, जो ब्रेड कट किया है, उसको इस तेल के अंदर डुबो डुबो कर रखा जाएगा ताकि जो टेस्ट है, जो तीखापन है, वो ब्रेड के अंदर रच जाए, पच जाए। तो आप देख सकते हैं एक एक करके भैया यहाँ पर लाइन से जो ब्रेड है वो लगाए जा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा तवा भर जाएगा। और तवा भरना बड़ी बात नहीं है भाई, तवा भरते ही मात्र 2 मिनट में पूरा का पूरा तवा खाली भी हो जाएगा क्योंकि पहले से लोग यहाँ पर आधे आधे घंटे से पहले लाइन में लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो देखिए वापस से थोड़ा सा मिर्च ऐड कर दिया गया है और उसके बाद वापस से जो थोड़ी सी ब्रेड बची थी उसको यहाँ पर फिर से डुबोया जाएगा। सो गाइस बने रहना आप लोग मेरे साथ क्योंकि इंडियन समोसे के बाद अब आ चुका है चाइनीज समोसा जो धमाल मचा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर चाइनीज समोसा डाला जाएगा और इसको यहाँ पर कहा जाता है चाइनीज समोसा पाव। तो देखिए यहाँ पर भैया ने सारे ब्रेड के अंदर एकदम से जो लाल मिर्च थी लगा लिया है और उसको एकदम क्रंची क्रिस्पी सेका जा रहा है। और इसको सेकने के बाद इसके अंदर समोसे ऐड किए जाएंगे, लेकिन समोसे ऐड करने से पहले भी भैया ने यहाँ पर कुछ अपनी रेसिपी बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया जाता है। तो देखिए एक एक करके सारे ब्रेड को भैया ने प्रॉपर सेक लिया और उसके बाद वन बाय वन इसको इन्होंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं तवे पर फिर से इसको गर्म किया जा रहा है और ये जो मायोनीज है ये इन्होंने खुद प्रिपेयर किया है, मतलब मायोनीज के अंदर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मसाले वगैरह डाले हैं। जब हमने इनसे पूछा तो यहाँ इन्होंने हमें बताया। तो सारे के ऊपर इन्होंने जब मायोनीज वगैरह ऐड कर लिया है उसके बाद अब बारी है कुछ गुजराती और चाइनीज दोनों मिक्सर की। तो यहाँ पर मायोनीज भी कंप्लीट है, खाने वाले भी चालू हो चुके हैं, वन बाय वन सबको दिया भी जा रहा है। आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या आपने चाइनीज समोसा बन कहीं ट्राई किया, और किया है तो आपको कैसा लगता है चाइनीज समोसे के साथ इसका कॉम्बिनेशन। ये देखिए अब इसमें कैबेज ऐड किया जा रहा है क्योंकि चाइनीज वाली चीजें हैं, कैबेज आना लाजमी है। ये देखिए ऊपर से गुजराती नमकीन आ गई जो थोड़ी सी तीखी और कुरकुरी रहने वाली है। और उसके बाद ये लास्ट में आ गए चाइनीज समोसा जो इन्होंने प्रिपेयर करके फ्राई करके रखा हुआ है और वन बाय वन सारे बन के ऊपर ऐड कर लिया है। और ये देखिए कितना बढ़िया से उसको पैक कर दिया गया है। इसे देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये बर्गर से कम है क्या? अगर नहीं तो कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर ये रेडी हो चुका है और इसे ग्रीन चटनी और टमेटो सॉस के साथ सर्व किया जाएगा। तो आप अगर आनंद से हैं और आपने नहीं ट्राई किया है तो जाइए ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। बाकी हमने ट्राई किया था, हमें तो काफी बढ़िया लगा। वैसे लोकेशन की बात करें तो ये है आनंद में वल्लभ विद्यानगर के पास और यहाँ पर जितनी भीड़ है ये सारे यहीं के स्टूडेंट की है जो यहाँ पर मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और अगर आप भी इसी जगह से देख रहे हैं वीडियो तो पक्का अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो यहाँ पर आते हैं और ये चाइनीज बन खाते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले सफर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।